दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ आज से 3-4 साल पहले की, जब लोग बैंक में काम करते थे, दुकान चल जाते थे, कहीं दूर ड्यूटी पे चल जाते थे या फिर घर से दूर रहते थे। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब इन लोगों को जोर से भूख लगती होगी और जब इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता होगा या फिर इनके लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं होता होगा तो इन्हें कैसा लगता होगा, और इसी वजह से भूखे पेट पूरा दिन गुजार देना पड़ता था, जो कि ये बात है आज से 3-4 साल पहले की। लेकिन अब आप चाहे मोदी जी के अच्छे दिन मान लीजिए या फिर जियो की कृपा, इन दोनों लोगों की वजह से अब भारत में ऐसे लोगों को ये दिन दोबारा नहीं देखने पड़ते हैं। और इसलिए कहीं भी कभी भी किसी को भी, चाहे वो घर से, दुकान से, बैंक से, जब भी लोगों को भूख लगती है तो बिना किसी देरी के ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। और आज ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए कोई एक कंपनी नहीं बल्कि स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, यूबर ईट जैसे बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं। और इसलिए आज के स्टूडियो में मैं आपसे खास बात करूंगा स्विगी के बारे में, जहां पे सिर्फ आपको खाना ही नहीं बल्कि लंच, साउथ इंडियन डिश, चाइनीज आइटम, आइसक्रीम, केक और भी चीजें 50% से ज्यादा डिस्काउंट में और आधे घंटे के अंदर ही घर पे अवेलेबल हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत किसने, कैसे और किस तरीके से की थी? अगर नहीं तो इसलिए आज के स्टूडियो में मैं आपको इंडिया की बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी की कहानी शुरू से बताऊंगा। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इस कंपनी को किसी एक बंदे ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जो कि इन तीनों में से एक का नाम हर्षा मिष्टी, एक का नाम नंदन रेड्डी और एक का नाम राहुल जामनी था, जो कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो कि हर्षा मिष्टी IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री को कलकत्ता से लिया था और बिट्स प्लानी से अपने स्टडी को कम्प्लीट किया था, और नंदन रेड्डी ने अपने MSc की डिग्री को बिट्स प्लानी से कम्प्लीट किया था, और राहुल जामनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT को खड़गपुर से किया था। और इन तीनों लोगों में से सबसे बड़ा रोल है हर्षा मिष्टी का, क्योंकि हर्षा की खास बात ये थी कि वो किसी जगह पे बैठ के या फिर किसी के अंडर में जॉब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड ही एंटरप्रेन्योर वाली थी, और इसलिए हमेशा से उनकी ये इच्छा थी कि उन्हें किसी चीज़ की स्टार्टअप करनी है। लेकिन स्टार्टअप में क्या करना है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए हर्षा ने अपने सोच को अपने दोस्त नंदन के साथ शेयर किया। और क्योंकि इन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे से ज्ञान था, इसी कारण इन लोगों ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखी। लेकिन जब तक ये लोग अपनी खुद की ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तब से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे ये सब कंपनी मार्केट में पहले से बाजी मार चुकी थी, और इसलिए इस लाइन में लगना बेकार था और यहाँ से इनकी आइडिया फेल हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, और उन लोगों ने ये देखा कि ओला यूबर जैसी कंपनी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मार्केट में राज कर रही थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ों का स्टार्टअप करके अच्छे लेवल पे पहुँचते जा रहे थे। और ऐसे में इन लोग के पास भी आइडिया आया होम फूड डिलीवरी की, जो कि उस टाइम 2011 तक कोई भी कंपनी फूड डिलीवरी के लिए कोई खास काम नहीं कर रही थी, और लोगों को खास ज़रूरत भी थी कि उनके लिए कोई उनके बैंक पे, ऑफिस पे, घर पे कोई खाना पहुंचा दे। और अगस्त 2014 में स्विगी ने बेंगलोर में रेस्टोरेंट के साथ टाई अप किया, लेकिन अभी तक स्विगी ने अपने ऐप को लॉन्च नहीं किया था। लेकिन जब उनके पास अच्छी खासी फंडिंग हो गई थी, तब मई 2015 में इन लोगों ने अपने ऐप को लॉन्च किया था, जिससे कि उनके कस्टमर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, सबके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई थी, और सिर्फ सिंगल टैप पे लोगों के मन पसंदीदा खाना उनके घर पे। और ऐसे में स्विगी ने मार्केट को फूड डिलीवरी बिजनेस का एक नया रूप दे दिया, और एक तरीके से स्विगी के कारण लोगों के जीवन आसान होते जा रहे थे, और स्विगी अपनी बेहतरीन सर्विस के कारण मार्केट में अपनी पकड़ बनाती जा रही थी। और आज बहुत सारे ऑफर, कूपन, डिस्काउंट और बेहतरीन डील समय पे समय स्विगी अपने हर एक कस्टमर को देती रहती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तब तक ले आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।